नवनीरद वपु श्री राम एवं नव घनश्याम भरत जी दोनों जटाजूट धारी, दोनों तपस्वी, दोनों एक दूसरे के प्राणाधिक प्रिय, दीर्घ काल के बाद दोनों प्राण प्रिय भाइयों का मिलन। श्री राम भरत से उनका कुशल संवाद पूछ रहे हैं, पर प्रेमानंद में निमग्न होने के कारण भरत जी का कंठ अवरुद्ध हो गया। वे बोल नहीं पाते, उनकी स्थिति वे ही जानते हैं। बड़ी कठिनाई से भरत जी ने उत्तर दिया, प्रभु आपने मेरी रक्षा कर ली, आपका दर्शन प्राप्त हो गया, बस इससे सब आनंद मंगल है। भगवान ने प्रसन्न होकर शत्रुघ्न जी को हृदय से लगाया और भरत जी ने भाई लक्ष्मण को अपने वक्ष से सटा लिया। एक और वानर राज सुग्रीव और उनकी पत्नियां, युवराज अंगद, लंकेश विभीषण और उनकी पत्नियां, जामवान, मैंद, द्विज, नल और नील आदि वानर भालुओं का अपरिसीम समुदाय, दूसरी ओर कुल गुरु वशिष्ठ, माता कौशल्या, सुमित्रा और केकई तथा अन्य राज महिलाएं और उनके मध्य भगवान श्री राम और शत्रुघ्न, लक्ष्मण और भरत तथा सुमित्रा के पुत्र द्वय लक्ष्मण और शत्रुघ्न का परस्पर मिलन, उन चारों भाइयों का अद्भुत प्रेम एवं उनकी पाप ताप नाशक अलौकिक सौंदर्य राशि, उनके समीप हाथ जोड़े चकित एवं पुलकित अंजना नंदन, निश्चय ही वे अत्यंत भाग्यवान हैं जो अपने अंतर हृदय में यह मंगल मूल विधान परम सुखद सुंदरतम ध्यान धारण कर सके। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। महिमा मय हनुमान, जग जननी माता जानकी और जगत्राता प्रभु श्री राम को अयोध्या के राज सिंहासन पर आसीन देखकर सर्वत्र हर्ष व्याप्त हो गया। अयोध्या में तो आनंद का पावन नर्तन हो रहा है। हर्षातिरेक से मेदिनी पुलकित हो गई और देवगण मुदित होकर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। धर्म विग्रह श्री राघवेंद्र ने मुनियों एवं ब्राह्मणों को पुष्कल दान आदि प्रत्येक रीति से प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तदंतर उन्होंने अपने मित्र किष्किंधापति सुग्रीव को मणियों से युक्त सोने की एक दिव्य माला भेंट की, जो सूर्य की किरणों के समान प्रकाशित हो रही थी। फिर प्रभु श्री राम ने युवराज अंगद को नीलम से जटित दो बाजू बंद भेंट किए, जो चंद्रमा की किरणों से विभूषित प्रतीत हो रहे थे। इसी प्रकार मैत्री धर्म का मर्म समझने वाले प्रभु श्री राम ने राक्षस राज विभीषण, परम बुद्धि वैभव संपन्न जांबवान, द्विज, मैंद, नल और नील आदि वानर भालुओं को मनोवांछा पूरक बहुमूल्य अलंकार एवं श्रेष्ठ रत्न आदि प्रदान किए। उस समय भगवान श्री राम ने महारानी सीता को अनेक सुंदर वस्त्राभूषण अर्पित किए, साथ ही उन्होंने चंद्र किरणों के तुल्य प्रकाशित उस परमोत्तम मुक्ताहार को उनके गले में डाल दिया, जिसे उन्हें वायु देवता ने अत्यंत आदर पूर्वक प्रदान किया था। माता सीता ने देखा कि प्रभु ने सबको बहुमूल्य उपहार अत्यंत प्रेम पूर्वक प्रदान किए, किंतु पवन कुमार को अब तक कुछ नहीं मिला और पवन कुमार निरंतर ही श्री सीताराम के चरणारविंद की ओर देख रहे थे। उन्हें त्रैलोक्य की संपूर्ण संपत्ति उन चरणों में समाई दिख रही थी। माता सीता ने प्रभु की ओर देखकर अंजना नंदन को कुछ भेंट देने का विचार किया। उन्होंने प्रभु प्रदत्त दुर्लभतम मुक्ताहार को अपने गले से निकालकर हाथों में ले लिया और प्रभु की ओर तथा समस्त वानरों की ओर देखने लगी। महारानी सीता की इच्छा का अनुमान कर प्रभु ने सौभाग्यशालिनी, तुम जिसे चाहो इसे दे दो, ऐसा माता सीता को कहा।
अपने प्राणनाथ का आदेश प्राप्त होते ही माता सीता ने वह मुक्ताहार पवन पुत्र को दे दिया। उक्त बहुमूल्य हार को कंठ में धारण करने पर हनुमान जी की शोभा अद्भुत हो गई। हनुमान जी की भक्ति से तो सभी प्रभावित थे और सभी स्वीकार करते थे कि तेज, ग्रहति, यश, चतुरता, शक्ति, विनय, नीति, पुरुषार्थ, प्राकर्म और उत्तम बुद्धि, ये 10 गुण इनमें सदा विद्यमान रहते हैं। अतएव इस बहुमूल्य हार के यथार्थ पात्र हनुमान जी ही थे, किंतु इस हार के देने के बाद श्री रघुनाथ जी ने एक नई लीला प्रारंभ कर दी, जिससे हनुमान जी की अद्भुत महिमा भी प्रकट हुई और उनकी अनन्य भक्ति के सम्मुख सबको नत होना पड़ा। जहां हनुमान जी के उस बहुमूल्य मुक्ताहार को प्राप्त करने के सौभाग्य की प्रशंसा हो रही थी, वहीं श्री हनुमान जी की मुखाकृति पर उसकी प्राप्ति के कारण हर्ष का कोई चिन्ह नहीं दिख रहा था। वे तो सोच रहे थे कि माता जानकी और प्रभु श्री राम मेरी अंजलि में अपने अनंत सुखदायक चरण कमल रख देंगे, किंतु यह मात्र प्रदत्त मुक्ताहार। हनुमान जी ने उस मुक्ताहार को गले से निकाल लिया और उसे उलट पलट कर देखने लगे। कुछ देर तो वे हार को उसके प्रकाश विकीर्णकारी एक एक मुक्ता मणि को ध्यान पूर्वक देखते रहे, किंतु उसमें उनका अभिष्ट प्राप्त नहीं हुआ। उन्होंने सोचा, संभवतः इसके भीतर मेरे अभिष्ट श्री सीताराम मिल जाएं। बस उन्होंने एक अनमोल रत्न को मुख में डालकर अपने वज्रतुल्य दांतों से तोड़ डाला, पर उसमें भी कुछ ना था। वह तो निरा चमकता हुआ पत्थर ही था। हनुमान जी ने उसे फेंक दिया। यह सारा दृश्य देखकर सबका ध्यान पवन तनय की ओर आकृष्ट हो गया। भगवान श्री राम मन ही मन मुस्कुरा रहे थे और माता जानकी, भरत आदि भाई, राक्षस राज विभीषण, वानराज सुग्रीव, युवराज अंगद, महाप्रबुद्ध जामवान, निषाद राज, समस्त वानर भालू एवं सभा सदगण यह दृश्य देखकर चकित हो रहे थे। हनुमान जी ने दूसरे रत्न को भी मुख में डालकर फोड़ लिया और उसे भी देखकर फेंक दिया। इस प्रकार वे अनमोल मुक्ता मणि और रत्नों को मुख में डाल डाल कर दांतों से फोड़ते जाते और उसे देख देख कर फेंक देते। सभासदों का धैर्य जाता रहा, पर कोई कुछ बोल ना पा रहा था। काना फूसी होने लगी, आखिर हनुमान जी हैं तो बंदर ही ना। बंदर को बहुमूल्य हार देने का और क्या परिणाम होता। विभीषण जी ने तो पूछ ही लिया, हनुमान जी इस हार के एक एक रत्न से विशाल साम्राज्य क्रय किए जा सकते हैं और आप इन्हें तोड़ फोड़ कर नष्ट कर दे रहे हैं। एक रत्न फोड़ कर ध्यान पूर्वक देखते हुए हनुमान जी ने उत्तर दिया, लंकेश्वर क्या करूं? मैंने देखा कि इस हार में मेरे प्रभु की भुवन पावनी मूर्ति है कि नहीं, किंतु इसमें उसे ना पाकर मैं इसके रत्नों को तोड़ फोड़ कर देख रहा हूँ कि संभवतः इनमें मेरे सर्वेश्वर की मूर्ति मिल जाए। पर अब तक तो एक रत्न में भी मेरे प्रभु की मूर्ति के दर्शन नहीं हुए, जिनमें मेरे स्वामी की त्रय ताप निवारक मूर्ति नहीं, वे तो तोड़ने और फेंकने ही योग्य है। इनका उपयोग ही क्या विभीषण जी? महामूल्यवान रत्नों के नष्ट होने से राक्षस राज विभीषण ने कुछ शुद्ध होकर पूछा, यदि इन अनमोल रत्नों में प्रभु की झांकी नहीं मिल रही है तो पहाड़ जैसी आपकी काया में प्रभु की झांकी होती है क्या? निश्चय, हनुमान जी ने दृढ़ विश्वास के साथ उत्तर दिया, मेरे प्राणनाथ प्रभु मेरे हृदय में भी विराजते हैं, और यदि वे वहां नहीं तब तो इस शरीर का भी कोई उपयोग नहीं, मैं इसे अवश्य नष्ट कर दूंगा, आप स्वयं देख लीजिए। कहते हुए भगवान श्री राम के अनन्य चरणानुरागी
पवन कुमार हनुमान जी ने दोनों हाथों को अपने वक्ष पर रखा और अपने तीक्ष्णतम नखों से उसे फाड़कर दो भागों में विभक्त कर दिया। आश्चर्य, अत्यंत आश्चर्य, विभीषण जी ने ही नहीं माँ भगवती सीता सहित भगवान श्री राम एवं समस्त सभासदों ने प्रत्यक्ष देखा। सम्मुख राज सिंहासन पर विराजित श्री सीता राम की पावनतम मंजुल मूर्ति पवन पुत्र हनुमान के हृदय में भी विराज रही थी और उनके रोम रोम से राम नाम की ध्वनि हो रही थी। लंकेश्वर विभीषण उनके चरणों पर गिर पड़े, बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। भक्त राज हनुमान की जय। सभासदों ने जय घोष किया और भगवान श्री राम ने सिंहासन से सहसा उतरकर हनुमान जी को अपने हृदय से लगा लिया, अन्यथा वे अपना सारा शरीर उधेड़ कर रख देते। निखिल भुवन पावन भक्त वत्सल भगवान श्री राम के मंगलमय कर स्पर्श से उनका शरीर पूर्ववत स्वस्थ और सुदृढ़ हो गया। राज्यसभा में सबने हृदय से स्वीकार किया कि हनुमान जी भगवान श्री सीता राम के अनन्य भक्त एवं भारी बहंतर श्री राम मय है। पवन कुमार को माता जानकी और परम प्रभु श्री राम ही प्राण प्रिय समझते हों। ये श्री सीता राम की ही संपूर्ण ममता एवं स्नेह के केंद्र हों। इतनी ही बात नहीं, इन्हें लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न कौशल्य आदि माताएं तथा श्री राम चरणा नारागी सभी प्राणाधिक प्यार करते थे। भगवान श्री राम की आज्ञा से वानर राज सुग्रीव जब किष्किंधा के लिए प्रस्थित हुए तक उन्होंने पवन पुत्र से अतिशय प्रीति पूर्वक कहा, पवन कुमार तुम पुण्य की राशि हो, जाकर दयाधाम श्री राम जी की सेवा करो। हनुमान जी अतिशय सरल और अन्यतम उदार हनुमान जी ये जीवन मात्र को ही प्रभु के अक्षय सुख शांति निकेतन चरण कमलों में पहुंचाने के लिए व्यग्र रहते हैं। भगवदुन्मुख प्राणियों के अहितुक सहायक हैं ये। युवराज अंगद ने प्रभु से विदा लेकर किष्किंधा जाते समय हनुमान जी से प्रार्थना की, हे हनुमान जी, मैं तुमसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि प्रभु के चरणों में मेरा अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम करना और उन्हें बार बार मेरा स्मरण दिलाते रहना। प्रभु को उनके चरणों मुख प्राणी का स्मरण दिलाने के लिए तो वे प्रतिफल आतुर रहते हैं। सर्वथा निश्चल अत्यंत सरल हनुमान जी का यही तो स्वभाव है। हनुमान जी ने लौटते ही अंगद जी के प्रेम की प्रशंसा की, जिसे सुनकर भगवान श्री राम प्रेम निमग्न हो गए। यह देखकर हनुमान जी को अत्यंत आनंद प्राप्त हुआ। इतना ही नहीं, भरत जी, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी भगवान श्री राम के चरणों में कुछ निवेदन करना चाहते हैं तो प्रभु के सम्मुख बोल नहीं पाते, वे हनुमान जी का सहारा लेते हैं। हनुमान जी के द्वारा उनके कार्य की सिद्धि होती है। देखिए ना, तीनों भाइयों ने प्रभु के चरणों में प्रणाम किया। वे प्रभु से कुछ पूछना चाहते हैं पर संकोचवश कुछ कह नहीं पाते, हनुमान जी की ओर देखने लगते हैं। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और वे हनुमान जी से पूछते हैं, कहो हनुमान, क्या बात है? तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा, हे दीन दयाल प्रभु सुनिए, हे नाथ सुनिए, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करने में संकोच करते हैं। इस प्रकार भरत आदि भाइयों के सहायक तो हुए ही, वे सहज ही उनके प्रीति भाजन भी हैं। जहाँ भगवान श्री राम के नाम का जप होता है, जहाँ प्रभु के मंगलमय मधुर नाम का कीर्तन होता है, जहाँ करुणा मूर्ति श्री सीता राम की लीला कथा एवं उनका स्मरण चिंतन होता है, वहाँ हनुमान जी सदा उपस्थित रहते हैं।
वे माँ भगवती सीता सहित भगवान श्री राम के नाम जपक एवं उनके लीला गुण गायक का हृदय से आभार स्वीकार करते हैं। हनुमान जी के तन में, मन में, प्राण में, यहाँ तक कि उनके रोम रोम में व्याप्त निखिल भुवन पावन परम प्रभु ने लीला संवरण कर साकेत पधारते समय उन्हें आदेश प्रदान किया था, हरीश्वर जब तक संसार में मेरी कथाओं का प्रचार करते रहे तब तक तुम भी मेरी आज्ञा का पालन करते हुए प्रसन्नता पूर्वक विचरते रहो। दया धाम श्री राम की आज्ञा प्राप्ति के लिए निरंतर उनके मुखारविंद की ओर देखते रहने वाले भक्त राज हनुमान जी ने तुरंत हाथ जोड़कर विनय पूर्वक निवेदन किया, भगवान संसार में जब तक आपकी पावन कथा का प्रचार रहेगा तब तक आपके आदेश का पालन करता हुआ मैं इस पृथ्वी पर रहूंगा। परम प्रभु श्री राम की आज्ञा पालन में सतत जागरूक रहने वाले हनुमान जी के भाग्य की तुलना संभव नहीं। भगवान श्री राम ने एक सघन अमराई में कुछ देर विश्राम करने का विचार किया ही था कि वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया। करुणा मूर्ति श्री राम उस पर बैठ गए और भरत जी भाई उनकी सेवा करने लगे। उस समय पवन पुत्र हनुमान उन पर पंखा झलने लगे। सजल जल दवपु परम प्रभु श्री राम के दर्शन कर हनुमान जी का शरीर पुलकित हो गया और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए। सचिदानंदन प्रभु की इस झांकी में हनुमान जी की सेवा एवं उनके भक्ति भाव का स्मरण कर भगवान शंकर ने गद्द गद्द कंठ से जगन माता माता पार्वती से कहा, हे गिरिजे, हनुमान जी के समान ना तो कोई बड़ भागी है और ना कोई श्री राम के चरणों का प्रेमी ही है। जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है, महिमा मय भक्त राज हनुमान जी की महिमा का बखान संभव नहीं। बस यह मनोहारिणी झांकी जिस बड़भागी के हृदय में स्थान बना ले तो उसे निश्चय ही मनुष्य जीवन का यथार्थ फल प्राप्त हो ही जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, जय सियाराम, जय जय सियाराम। भावुक भक्तों में हनुमान जी, वज्रांग बली महावीर हनुमान जी सहज सरल और भोले हैं। इनके भोलेपन एवं श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में इनकी अद्भुत प्रीति की अनेक कथाएं भक्तों में प्रचलित हैं। उनका आधार तो विदित नहीं, किंतु वे कथाएं हनुमान जी की सरलता, उनके भोलेपन एवं उनकी अलौकिक श्री राम प्रीति की परिचायिका हैं। इस कारण यहाँ कुछ कथाओं का उल्लेख करना अनुचित प्रतीत नहीं होता। भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी की माता जानकी के चरणों में भी अद्भुत भक्ति है और जग जननी जनक दुलारी माता सीता इन्हें प्राण तुल्य प्यार करती हैं। इस कारण ये माता जी के सम्मुख तनिक भी संकोच नहीं करते। माता जी से संकोच भी कैसा। बात है मंगलवार प्रातः काल की, हनुमान जी को भूख लगी, वे सीधे माता जानकी के समीप पहुंचे और बोले, माता मुझे भूख लगी है, कलेवा के लिए कुछ दीजिए। पुत्र मैं अभी स्नान करके तुम्हें मोदक दे देती हूँ। माता के वचन सुनकर हनुमान जी प्रभु श्री राम का नाम जपते हुए माता के स्नान कर लेने की प्रतीक्षा करने लगे। जगदम्बा माता सीता ने स्नान करके श्रृंगार करना प्रारंभ किया। माता की मांग में सिंदूर देखकर भोले भाले हनुमान जी ने पूछा, माता जी आपने यह सिंदूर क्यों लगाया है। माता जानकी को हंसी आ गई। हंसते हुए उन्होंने हनुमान जी को उत्तर दिया, जैसे वे छोटे अबोध शिशु को बहला रही थी। माता बोली, इस लाल सिंदूर को लगाने से तुम्हारे स्वामी की आयु में वृद्धि होती है।
सिंदूर लगाने से मेरे स्वामी की आयु बढ़ती है। हनुमान जी मन ही मन सोचने लगे और देर तक सोचते रहे। वे सहसा उठे और ढूंढ कर सर्वांग में तेल लगाया, तत्पश्चात आपाद मस्तक सिंदूर पोत लिया। सर्वांग सिंदूरा रूप हो गया, जैसे उन्होंने सिंदूर में स्नान किया हो। मेरे इस सिंदूर लेप से मेरे प्रभु की आयु वृद्धि हो जाएगी। इस हर्षोल्लास में उन्हें अपनी शुद्धा का भी ध्यान नहीं रहा। हनुमान जी सीधे प्रभु श्री राम की राज्यसभा में पहुंचते ही थे कि उन्हें इस सिंदूर पूरी तांग अद्भुत वेश में देखकर वहां जोर का अट्टहास हुआ। स्वयं भगवान श्री राम भी मुस्कुरा उठे। वे हनुमान जी से पूछ बैठे, हनुमान आज तुमने सर्वांग में सिंदूर लेप कैसे कर लिया? सरल हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु माता जी के तनिक सा सिंदूर लगाने से आपकी आयु में वृद्धि होती है। यह जानकर आपकी अत्यधिक आयु वृद्धि के लिए मैंने समूचे शरीर में सिंदूर लगाना प्रारंभ कर दिया है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सियाराम, जय जय सियाराम।